नमस्कार मित्रों, आज हम डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे अपने सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपको दिखाते हैं। ये हमने पेन ड्राइव लगा रखी है और इसी से हम बूट करेंगे, पेन ड्राइव से ही। अगर आप सीडी नहीं है तो आप पेन ड्राइव से बूट कर सकते हैं। इसको खोल लीजिए, ये बूटेबल हमने बना रखी है। और इसके बाद इसको रन कराना है, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लीजिए। हमारे इसमें विंडो 10 है और हम इसमें विंडो 7 डाल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, अपनी छोटी मोटी जो इसकी सेटिंग्स होती हैं वो करेगा, कॉपी करेगा टेम्परेरी फाइल को। उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप इंस्टॉलेशन करते हैं उसके, तो आपको जो जो सेटिंग मिलती है आप करते रहिए इंस्टॉलेशन के बाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो नॉर्मल सेटिंग जो आती हैं, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको किस ड्राइव में आपका जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो आप डालना चाहते हैं। तो या तो आप उसी में डाल लीजिए या फिर नई ड्राइव में डाल लीजिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जिसमें आपका सी ड्राइव में आप जैसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो इसमें मैंने अपने दूसरी ड्राइव में डाला है। आप भी वैसा कर सकते हैं या फिर आप उसी में डाल सकते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि किस में पहला ड्राइव था और किस में पुराना नया वाला ड्राइव हमने डाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। तो जैसे मैंने इसमें डी या ई में डाला है। फिर उसके आगे हमने नेक्स्ट कर दिया। तो इसके बाद देखिए आपका बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना विंडो इंस्टॉलेशन, ये प्रोसेस होता रहेगा। इसको मैं स्किप कर देता हूँ दोस्तों, के बाद फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में दो तीन बार आपका कंप्यूटर ऑन ऑफ ऑन होगा, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्या हो गया, दो तीन बार ये रीस्टार्ट होगा अपने आप ही। ये देखिए, दो तीन बार ये रीस्टार्ट मांग रहा है। बायोस का पासवर्ड हमने लगा रखा है। ये देखिए, विंडोज 7 इसमें इंस्टॉलेशन हो चुकी है। एक बार दोस्तों हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, आपको पूरा दिखा देते हैं कि इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। रीस्टार्ट करके आपको पूरा फिर से दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका विंडोज 7 आएगा, जैसे आपको विंडोज 7 विंडोज 10 देखना है। देखिए दोस्तों, ये डाउन हो गया, अब रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दो, ये हमारा बायोस का पासवर्ड लगा है, इसको हम ऑन कर लेते हैं, बायोस लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए, आपको फ्रंट में ही जैसे ही खुलेगा तो उसका आपको स्क्रीन दिखेगी। विंडो 7 में आपको काम करना है, विंडो 10 में, तो आपको जिसमें काम करना है आप उसमें काम करिए और बड़ी आसानी से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं विंडो 10 और विंडो 7 में। अभी इसको हम पूरा खोल के देख लेते हैं दोस्तों। प्रोसेसिंग बढ़िया है इसका भी, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, विंडो 7 आपने देखा, प्रोफेशनल लिखा हुआ भी आ रहा है और पुराना वाला सिस्टम है ये, आपने कभी ना कभी इसमें काम किया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये खुल गया और इसमें हम ज़रा एक दो आइकन भी लगा लेते हैं, इसके नॉर्मल आइकन होते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। पर्सनलाइज में जाके डेस्कटॉप आइकन इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। दो चार जो मैंडेटरी हैं कंप्यूटर यूज़र फाइल वगैरह, इनको हम अपने डेस्कटॉप में लगा लेते हैं। देखिए आगे दोस्तों, पुराना वाला आपका वर्जन है विंडो 7 का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और